मेरा नाम है राजेश रंगारी, बालाघाट का ही बिलोंग करता हूँ, बुद्ध नगर कोसी में रहता हूँ। सबसे पहले तो मेरे शब्दों में यही है कि जो बेटल आप भीमा कोरेगांव है, जिसको बनाते हुए एक मैसेज है थेटे सर का कि वो समाज में उन लोगों को दिखाना चाह रहे हैं जो हम लोगों ने भोगा हुआ है, उस कुरीतियों को उस फिल्म में फिल्मांकन किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि समाज का हर वर्ग इस पिक्चर को देखे। थेटे सर जब आईएएस ऑफिसर थे हमारे एमपी में ही, जबलपुर में भी थे, तो उनके प्रति जो लोगों का सोच थी कि एक आईएएस ऑफिसर जो समाज के लिए इतना काम करता है और उनके ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, उनको देख के हम लोग भी त्रस्त थे और हम लोग भी चाह रहे थे कि कुछ ऐसे प्रयास किए जाए कि उनको उससे निजात मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग मैं उनसे 25 साल 30 साल के लगभग हो गया दरमियान, जब से मैं उनको जानता हूँ, और हमारी आपस में ऐसी बातें बीच में होती रही हैं और उनसे हमारी मुलाकातें भी हुई हैं। उस मुलाकातों में ये समझ में आया कि उनका जो ध्येय है समाज को लेके एक अच्छा उनका बना हुआ है रुझान, उस रुझान को देखते हुए हम लोग उनके प्रति समर्पित हुए हैं। मैंने आज 14,000 के शेयर खरीदे हैं और हो सकता है आगे भी और कुछ शेयर खरीदूंगा, और मैं लोगों से आह्वान करता हूं कि हम समाज को देने के लिए ये एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से लोग अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं।